everyone, welcome back to Be Akriti and you are watching Akriti's vlog. So let me tell you one thing, ये video एक साल पुरानी है. Due to busy schedule, I just literally forgot this video that I had to upload this as there was a time of the summer. So you can clearly see the redness on my face. See? So I had visited DLCC Institute, which is in Noida Sector 18. The institute looks like this from the inside and this is me. So I have come here for Jyoti Saxena. Hi. She's a makeup artist and you can clearly see the palette of the eyeshadow, lipstick. All these are the products of the makeup. It's looking like the paint. So without wasting more time, let's paint my face. Okay, since I started collaboration with makeup artist, so I have ever seen sabka apna apna hota hai alag, like some starts with face and some starts with eyes. So I just want to know कि आप मेकअप कहाँ से स्टार्ट करते हो, आई से या फेस से, एंड विच इज़ द बेस्ट वे, कि मेरे को इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है. सो जैसे कि आप देख रहे हो मेरा आउटफिट गोल्डन पिंक कलर का है, उस पर गोल्डन कलर की एम्ब्रॉयडरी है, तो इसलिए मेरी आईज पे इन्होंने गोल्डन कलर की क्रीज दी है एंड मेरे आउटर कॉर्नर पे कुछ पर्पल एंड पिंक कलर का हल्का सा टेक्सचर दिया है कलर का, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है मुझे. एज आई टोल्ड यू, देयर वाज अ टाइम ऑफ द समर, सो मेरी एक्ने उस टाइम पे एक्टिव थे. ऑल्सो आई हैव एक्ने प्रॉन स्किन ऑन टॉप ऑफ दैट पॉल्यूशन ऑफ द डेली. मेरी और भी मेकअप की आपको वीडियोज मिल जाएगी, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा एंड डिस्क्रिप्शन में भी है. एक्ने की वजह से आपकी स्किन बहुत ऑयली हो जाती है, सो हमने ट्राई किया कि मेरा जो बेस है इसको, मतलब मेरा जो मेकअप है इसको मैट फिनिश में रखा जाए. और जब यार यहाँ तक आप आ ही गए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. ये मेरा फेवरेट पार्ट है मेकअप का, कंट्रोलिंग. मुझे करना और देखना दोनों ही बहुत पसंद है, हाउएवर मुझे करना नहीं आता है, स्टिल आई जस्ट लव दिस. ब्लेंडिंग करना एक बहुत छोटा सा काम है बट बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छे से मेकअप को ब्लेंड करो. VLCC की मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पे अगर आप अपना मेकअप का कोर्स जो है ज्वाइन करते हो तो जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से ही दिए जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे ब्रांड्स के भी होते हैं, क्योंकि मैंने अदर्स इंस्टीट्यूट्स में ऐसा देखा नहीं है कि आपको ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपको कोई मेकअप आर्टिस्ट या दूसरे इंस्टीट्यूट्स वाले प्रोवाइड करवा रहे हैं, आपको हमेशा अपने ही कैरी करने होते हैं, तो वो थोड़ा आउट ऑफ बजट चला जाता है. तो यहाँ पर I was super excited to see my full look. And I'm the person जो एक्सेसरीज इतना प्रेफर नहीं करता है, बट आफ्टर सीइंग दिस ग्रीन ज्वेलरी, आप देख सकते हो ये चोकर का नेकलेस है, उसके साथ रानी हार है. अभी जो है आपको पता है ग्रीन कलर की ज्वेलरी का बहुत हाइप और बहुत ट्रेंड में है, जैसे कि कियारा आडवाणी ने भी अभी रिसेंटली अपनी शादी में वेयर की थी, तो बहुत ही क्लासी लगती है. आप किसी भी कलर के आउटफिट के साथ जो है इसको वेयर कर सकते हो, बस थोड़ा सा डिज़ाइन जो है आप देखो कि वो अच्छा होना चाहिए. चलो अब स्टार्ट करते हैं हेयर के लिए. तो हेयर के लिए हम लोग बहुत ही कंफ्यूज थे कि हमें क्या करना चाहिए, जैसे कि इस इंस्टीट्यूट में दो अलग अलग क्लासेस दी जाती है, हेयर्स की अलग होती है, मेकअप की अलग होती है, तो हम दूसरी जगह आ गए थे. और यहाँ पे हमने, ये एक हेयर ड्रेसर है तो इनसे हमने सजेशन लिया था एंड ही सजेस्टेड समथिंग गुड. हाँ, क्योंकि वो हेयर स्टाइल के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा. ओके, क्रिम्पिंग करना दिखने में जितना आसान है और जितनी अच्छी लगती है, वो करने में भाई उतना बड़ा टास्क है, क्योंकि आई थिंक क्रिम्पिंग मशीन सारी गर्ल्स के पास होती है, बट जब हम उसको करते हैं तब हमें पता चलता है कि यार ये कितना बड़ा टास्क है. इवन मेरे पास भी काफ़ी टाइम से क्रिम्पिंग मशीन थी, बट बहुत टाइम से, और सिर्फ मैंने उसको एक ही बार किया है अभी तक. ये माथा पट्टी जो है मुझे बहुत ही प्यारी लगी थी, जैसे कि मैंने आपको बताया मुझे एक्सेसरीज इतनी पसंद नहीं है, पर जब मैं वेयर करती हूँ तो मुझे लगता है कि सब कुछ अच्छे से और परफेक्टली होना चाहिए. द स्ट्रगल इज़ रियल. हेयर मेरे बहुत फिजी हो रहे थे क्योंकि बहुत गर्मी थी, और देखो गजरे वजरे भी पूरे लगाए गए हैं क्योंकि ब्राइडल वाली पूरी फीलिंग हमें चाहिए थी. लास्ट में दो फ्लिक्स जो है छोड़ी थी, फिर उनको कर्ल्स किया गया था जो कि बहुत ही सूट कर रही थी. एंड दिस इज़ माय फाइनल लुक.
आई जस्ट लव दिस. Created by her. Her name is Jyoti Saxena. She is a makeup artist, and I just love this look. Thank you so much for making it so beautiful. Bye.